नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर INA ट्रस्ट द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से लद्दाख के लेह से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत मोबाइल वैन के माध्यम से पूरे देश में लोगों को नेताजी के बलिदान व उनकी विचारधारा से अवगत करवाया जा रहा है। सोमवार को मंडी पहुंची मैं भी सुभाष अभियान की जागरूकता वैन के दौरान लोगों को सेरी मंच पर नेताजी के प्रति जागरूक किया गया। मैं भी सुभाष अभियान का संचालन कर रहे अजय तोमर ने कहा कि इस अभियान के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। उन्होंने कहा कि अगले साल 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर मैं भी सुभाष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। INA ट्रस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेताजी के 125वीं वर्धनिवर्सरी कैंपेन चलाया जा रहा है मैं भी सुभाष। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सामने मोबाइल वैन है, ये हमने लद्दाख ले से स्टार्ट किया है, उसके बाद कारगिल, कारगिल से श्रीनगर, पहलगाम, कुपवारा, उधमपुर, फिर चंबा, धर्मशाला, मीरपुर और आज मंडी में ऐसी हम क्रम वाइज स्टेट वाइज स्टेट शहर वाइज शहर जाकर नेताजी के जीवन और उनके बलिदान के बारे में लोगों को जानकारी अवगत कराते रहेंगे। ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है INA ट्रस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से चलाया जा रहा है नेताजी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी में मैं भी सुभाष। इस कैंपेन का जो हमने नाम दिया वो मैं भी सुभाष के नाम से दिया गया है। मेन मकसद इसका ये है कि युवा पीढ़ी को नेताजी के बारे में, उनके जीवन के बलिदानों के बारे में लोगों को पूर्ण जानकारी अवगत करना। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1,00,000 का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर।